अगर आप भी इस तरह की वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है VN। VN टाइप करने के बाद सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। तो मैं सिंपली यहाँ से इसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्कैनर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड स्कैन करना है, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने कोड को स्कैन कर लिया है, तो सिंपली यहाँ से आपको यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको दो फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों इमेज आ चुका है, तो सिंपली हमारा एक इमेज थोड़ा सा कट चुका है, तो इसे एडजस्ट कर लूँगा मैं यहाँ से इमेज पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपको कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेना है ताकि हमारा फ़ोटो का फेस दिखे। फिर यहाँ से मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट तरीके से फ़ोटो बैठ चुका है। फिर यहाँ से मैं इसे एक्सपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो स्क्रीन पर आ चुका है। फिर यहाँ से आपको ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से 9:16 के रेशियो को सिलेक्ट करके डन कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक पिप वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना और फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको इस वाले लिरिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा लिरिक्स वाला वीडियो स्क्रीन पे आ चुका है, तो सिंपली इसे इस तरीके से कुछ स्क्रीन पे फिट कर लेना है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इस तरीके से स्क्रीन पे फिट कर लिया। फिर इसे इस तरीके से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद सिंपली आपको इस लिरिक्स को यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर लाने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको एक ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा लिरिक्स वाला यहाँ पे आ चुका है, तो इसे कुछ इस तरीके से फिट कर लेना और इसे फिर डन कर देना है। डन करने के बाद सिंपली आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है ताकि वीडियो में अच्छा दिखने लगे। फिर यहाँ से आपको एक बार प्ले करके आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। फिर यहाँ पे आपको इसे इस तरीके से स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ से आपको इस एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है वीडियो को। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले।